हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस तरह की बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, तो एक पीडीएफ के अंदर हमने उन सारी बुक को इंक्लूड कर लिया है। तो आप अगर इन सारी बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं ये लिंक। इस लिंक में जाकर आपको आप इस वीडियो में जो भी बुक्स पढ़ेंगे उसके बाद आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने इस पेपर में इंक्लूड किया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, उसको लर्न करने के बाद भी इस पेपर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करके उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ऑथर के साथ उन सभी उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया है, तो आप इजीली उनको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने लिए भारतेंदु हरिश्चंद। फ्रेंड्स, भारतेंदु हरिश्चंद की ये दो बुक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत पूछी जाती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद की जो बुक है वो है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो दो ही इनकी बुक है इंपॉर्टेंट, तो आप इजिली इनको याद कर सकते हैं कि अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा किसने लिखी है। तो ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद ने। हम सेकंड आते हैं जयशंकर प्रसाद पे। तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद की जो बुक्स इंक्लूड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कामायनी, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूपस्वामिनी। तो फ्रेंड्स, इनकी ये छह बुक हैं, आपको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि छह ही बुक हैं जो इनकी घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, जिसमें कि कामायनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको इजिली याद कर सकते हैं। जो थर्ड नंबर पे जो सबसे फेमस हमारे रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद। इनकी भी जीवनी बहुत पूछने को आती है, और जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं उनको भी हमने यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि प्रेमाश्रम, गवन, गोदान, करबला जो कि एक नाटक है, संग्राम ये भी एक नाटक है। तो इनकी ये बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ये सारी बुक्स के नाम जान लेते हैं, तो इसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की कोई और जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी भी बहुत पूछी जाती हैं। जो फेमस है इनकी रचना वो है हुंकार, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा। तो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास की जो फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है सिर्फ एक ही बुक, परीक्षा गुरु। तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो एक्स्ट्रा है उनको इंक्लूड यहाँ नहीं किया है। नेक्स्ट है गोपाल दास गहमरी। इनकी एक ही बुक है जो की है देवरानी एंड जेठानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, देवरानी एंड जेठानी। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। और आप मैंने यहाँ पे बहुत ही जो प्रीवियस पेपर थे उनसे लेकर ये बुक्स की पूरी पीडीएफ बनाई है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन या फिर किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारी बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में इनमें से एक ना एक बुक तो जरूर फंस जाएगी। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो फेमस बुक है वो है यहाँ पे अनामिका, इनकी रचना है अनामिका, इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन की जो फेमस रचनाएं हैं वो है युगवाणी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी ये बहुत ही फेमस रचना थी युगवाणी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की सिर्फ मैंने यहाँ पर एक इंक्लूड की है, वो जो की है दीपशिखा, ये रचना बहुत पूछी जाती है, महादेवी वर्मा की फेमस है। नेक्स्ट है सचिनानंद हीनानंद वात्सनायन अज्ञे। इनकी फ्रेंड्स एक रचना है शेखर एक जीवनी, जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इन सब को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनका रिविजन कीजिएगा। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी फेमस रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता। फ्रेंड्स, ये चंद्रकांता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनकी जो फेमस रचना है वो है राम रहीम। ये सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी
पांडे वेचन शर्मा की फेमस रचना है चंद हसीनों के खतूत। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर की दो रचनाएं हैं फेमस, बूद और समुद्र और खंजन नयन, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रागे राघव, इनकी एक रचना है कब तक पुकारूं, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है जैनेन्द्र की दो रचनाएं हैं सुनीता और त्यागपत्र। तो फ्रेंड्स आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्हीं पे फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है भीष्म साहनी की तमश। नेक्स्ट है जगदीश चंद्र माथुर की दो रचनाएं हैं पहला राजा और दूसरी है कोणार्क। नेक्स्ट है मोहन राकेश। फ्रेंड्स मोहन राकेश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, इनकी भी बहुत पूछी जाती हैं। तो इनका है अषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। फ्रेंड्स ये दो हैं, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा आप, अषाढ़ का एक दिन, दूसरी है लहरों के राजहंस। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल। फ्रेंड्स मैला आंचल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी है परती परिकथा। आप मैला आंचल हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में 4 से 5 बार पूछी गई है, रिपीट करते हैं बार बार इस तरह की रचनाएं। नेक्स्ट है अलका सराव की, इनकी है कलिकथा बाया बाईपास और शेष कादम्बरी। नेक्स्ट है हबीब तनवीर की आगरा बाजार। नेक्स्ट आते हैं हम गुरु भक्त सिंह भक्त की है नूरजहां फेमस रचना, वृंदावन लाल वर्मा की है झांसी की रानी और मृगनयनी, ये दो इनकी फेमस रचना हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती की सिर्फ एक रचना है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो है सूरज का सातवां घोड़ा। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा की जो रचना पूछी जाती है वो है चीणों पर चांदनी और अंतिम अरण्य। नेक्स्ट है कमलेश्वर, या इनकी है कितने पाकिस्तान, ये इनकी फेमस रचना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है राजकमल चौधरी, इनकी जो फेमस है वो है मछली मरी हुई, और नागार्जुन की जो फेमस है दो रचनाएं वो है नई पौध और दुखमोचन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड सारी ही इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखिएगा। पूछी जाती है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी लिखी हुई है, तो ये राहुल सांकृत्यायन की लिखी हुई है। नेक्स्ट है यशपाल की, इनकी पांच फेमस है इनकी सिंहावलोकन, दिव्या, झूठा सच इसमें बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड। नेक्स्ट आता है श्रीलाल शुक्ल, इनकी जो फेमस रचनाएं हैं विश्रामपुर का संत और राग दरबारी। नेक्स्ट आते हैं राही मासूम रजापर, इनकी एक रचना है जो कि बहुत फेमस है, वो है आधा गांव। नेक्स्ट है संजीव, जिसकी बहुत पूछी जाती है, संजीव आप ऐसे याद कर सकते हैं संजीव का सर्कस, ठीक है संजीव का सर्कस। लेकिन फ्रेंड्स मैं बिलीव नहीं करती हूँ, हम बोलते हैं कि यहाँ इसकी ट्रिक है ये याद करने की, मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ, तो आपको ऐसे ही याद करने होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई ट्रिक आप बना सकते हैं, तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग भी इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनु भंडारी की आपका बंटी और महाबोझ। ज्ञानेन्द्र पति की एक फेमस रचना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो है संशयात्मक। तो फ्रेंड्स ये कुछ फेमस थीम रचनाकार और उनके रचना जिन्होंने ये लिखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया है, उन्हीं रचनाकार को और उन्हीं की रचना को जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट है वीडियो में, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पेपर को ऊपर दी हुई जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे दूंगी, आप यहाँ जाके इस पेपर को सॉल्व कीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इस पेपर को देने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस या फिर कितने रचना के रचनाकार आपको याद हैं।
और इसके साथ ही साथ मैं डेली आपको इसी तरह के मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करती रहूंगी, तो आप उस इजीली उनसे यहाँ पर याद कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, आपको डेली आप एनालाइज भी कर पाओगे खुद को और इससे आपको रिवीजन भी होता रहेगा। तो आई होप आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको दूर करने की। और अगर किसी भी तरह की कोई टॉपिक है आप चाहते हैं उस पर वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।